कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। नवेरा, हमें यहां से फौरन जाना होगा। तुम घबराना मत और मेरी राइट साइड पे बिल्कुल मत देखना, वहां मांग खड़ी है। हमें जाना होगा अभी। महम, महम यहाँ कैसे आ गई? कहीं वो अमल, मैं उसे अमल ले दूंगी। उसका बाप भी नहीं ले सकता अमल को मुझसे। सॉरी, मैं गुस्से में बोल गया। मामू जान के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था मैं। तुम चलो। क्यों हमारा पीछा कर रही है? मैं जानती हूँ उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तुम परेशान ना हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ होने दूंगा? कभी मैं देख लूंगा सब कुछ। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। क्या कर रही हो यहाँ? पीछा कर रही हो हमारा? नहीं, मैं तो वो ऐसी वैसी कोई बात मत बोलना। आइंदा कभी हमारे करीब भी नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तुम्हारे पास मेरी बच्ची है। मेरे पास मेरी बच्ची है, तुम्हारी नहीं। कभी भूल कर भी अमल को अपना मत कहना, समझी? Thank you.
क्या कर रही हैं? पीछा कर रही हूँ हमारा? नहीं, मैं तो वो ऐसी वैसी कोई बात मत बोलना। आइंदा कभी हमारे करीब भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तुम्हारे पास मेरी बच्ची है। मेरे पास मेरी बच्ची है, तुम्हारी नहीं। कभी भूल कर भी अमन को अपना मत कहना, समझी? Just leave us alone. शॉपिंग मजा आया? क्या मतलब? पीछा कर रही थी अपने असेसमेंट का, अचानक से ममता जाग उठी है तुम्हारी। तुम्हें किसने बताया? इतनी छोटी हरकतें करोगी? तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैंने पूछा तुम्हें ये बात किसने बताई? और मैंने कहा कि मुझसे स्टोन में बात मत किया करो। सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये बात किसने बताई? हमारी बीवी मॉल में हमारा पीछा कर रही थी, आज तो मैंने माफ कर दिया। दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। I'll take strict action against both of you. So you better be careful. इसने तुम्हें मैसेज कैसे किया? How dare he? Maham, are you out of your senses? तुम उसके घर से चोरी कर कर निकली हो, केस कर सकता है वो तुम पर। मैंने तुम्हें शादी से पहले क्लियरली बता दिया था कि मैं दावर का मुकाबला नहीं कर सकता, ना मेरे पास उसके जितने पैसे हैं और ना ही मैं उसके जितना कनेक्टेड हूं कि तुम्हारी स्टुपिडिटीज को हैंडल करता रहूं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसके पीछे गई क्यों थी? नवेरे के कंधे पे हाथ रखे हुए था, मेरी बच्ची को ऐसे उड़ाए हुए थे जैसे वो उसकी बच्ची हो। तो तुम्हें जेलसी हो रही थी? नहीं, फिर उन दोनों ने मुझे मेरी बच्ची को देखने भी नहीं दिया ठीक से। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा? तुमने मेरे पीछे पड़कर मुझसे शादी की, कोई वादा पूरा नहीं किया, और अब अचानक तुम्हारी ममता जाग उठी है, अपनी बच्ची यहां लाने के चक्कर में हो तुम। कौन सा वादा पूरा नहीं किया मैंने? तुम मेरे साथ बिजनेस करने वाली थी, मुझे यूरोप घुमाने वाली थी। तुमने कहा था तुम्हारा सब कुछ मेरा है और तुम मेरे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, तुमसे आज तक एक रुपया नहीं निकला, बदल गई हो तुम। बदल
बदली मैं नहीं, बदल तुम गए हो। तुमने धोखे से मुझसे शादी की, क्या क्या खाब दिखाए थे तुमने मुझे, और शादी के बाद इस घर में लाकर मुझे कैद कर दिया तुमने। अपने बाप के लिए रोटियां पकवा रहे हो मुझसे। तुमने कहा था कि तुम मुझे यूरोप घुमाओगे, तुमने कहा था कि हम दोनों वहां पे सेटल हो जाएंगे, लेकिन तुम इतने घटिया हो, इतने लालची हो, अब भी मेरे पैसों पे नजर रखे बैठे हो। लालची मैं नहीं, लालची तुम हो, खुद गर्ज हो तुम। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बच्ची यहां नहीं आ सकती और ना ही तुम उससे मिलने जाओगी। आई बात समझ में? से फौरन जाना होगा, तुम घबराना मत और मेरी राइट साइड पे बिल्कुल मत देखना, वहां माहम खड़ी है, हमें जाना होगा अभी। माहम? माहम यहां कैसे आ गए? कहीं वो अमल, मैं उसे अमल ले दूंगी। उसका बाप भी नहीं ले सकता अमल को मुझसे। सॉरी मैं गुस्से में बोल गया, मामूजान के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था मैं। तुम चलो। क्यों इतना परेशान हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा वो हमारा पीछा क्यों कर रही थी। क्या मकसद है उसका, क्या चाहती है वो? उसका जो भी मकसद हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, वो अब कुछ नहीं कर सकते। दावर बेटे, वो तुमने सीसीटीवी वालों को बुलाया था रीचेक करने के लिए, जस्ट देखो क्या हो रहा है वहां पे। मैंने दावर के लिए एक लड़की पसंद की है, अच्छी है, डॉक्टर भी है। उसे तुम्हारे और अमल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीकेंड पे हम उनके घर जाएंगे। आई होप तुम्हें अपना वादा याद है ना, कि तुम दावर को दूसरी शादी की इजाजत दोगी? जी, मैं अमल को संभाल लूंगी,
हाँ वो तो तुम्हें संभालना ही होगा, जाहिर है तुम अमल को संभालने की वजह से तो इस घर में आई हो। खैर मैं सोच रही थी कि खानदान में शादी करने का आइडिया कुछ इतना अच्छा नहीं होता, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। कितना समझाया था मैंने दावर को, पर उस वक्त उसकी समझ में ही नहीं आया, अब भुगत रहा है, पहले माहम और अब। खैर बड़ा अच्छा खानदान है उनका, सभी डॉक्टर्स हैं, भाई बाप माँ। तुम्हें पता है मुझे तो हॉस्पिटल बनाना है, इतनी जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी कि बस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तुम अभी दावर से कोई बात ना करना, मैं उसे खुद समझा लूंगी। जी अच्छा। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके रास्ते में कोई हर्डल नहीं बनोगी, उसकी खुशी की खातिर, है ना? Is that clear? जी। Good. इसको बर्ब दिला दिया था फीड कराने के बाद? चलो ठीक है, ख्याल रखना। तो करते हैं, जहां भी करनी है दावर की शादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी इस घर में मेरा नाम का ही रिश्ता है, मैं भी अपनी जिंदगी बनाऊंगी, बाबा का बिजनेस सेट करूंगी और पप्पो को दिखाऊंगी कि मैं भी कोई इतनी फालतू नहीं हूं। अजीब करके दिखाऊंगी मैं, पता नहीं समझते क्या है मुझे। खुद से बातें कर रही हो, कुछ परेशान भी हो। वैसे नॉर्मली कोई इंसान खुद से बातें तब करता है जब हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा। प्लीज सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। बहुत बुरा मजाक था, बिल्कुल हंसी नहीं आई। एक्चुअली हम डॉक्टर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही होता है। तुम बताओ सब ठीक चल रहा है ना? बस वही रूटीन है, मैं अमल, अम्मी बाबा और रिदा से वीडियो कॉल, बस यही है मेरी जिंदगी। आई थिंक तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकती हो, शेयर करने से हम कम और खुशियां ज्यादा हो जाती हैं। कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं मैं आपको। तुम हमेशा की तरह शेयर नहीं करोगी, as you wish, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अपने इस रूटीन को ब्रेक करने की कोशिश करो। अमल के साथ रहकर तुम खुद को भूल गई हो। अपने अंदर की उस नवैरा को ढूंढने की कोशिश करो जो कभी मेरी दोस्त थी और अब। दोस्त है
जब हालात बदल जाते हैं तो एहसास भी बदल जाते हैं। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, हालात भी बदल गए और एहसास भी। बहुत ज्यादा फलसफा बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो कि दोबारा वो कहानियां लिखना स्टार्ट कर दो। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम अभी खुद से बातें कर रही थी ना, यही वक्त खुद को दो। अम्मी काफी देर पहले रूम में गई थी, सो गई होंगी अब तक। अमर सो गई है, चलो। क्या हो रहा है यहाँ इस वक्त? आ जाए अम्मी, पॉज कर दो। नवेरा बहुत अच्छी कहानियां बनाती है अपने पेज के लिए, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कोई वक्त है इस काम का? ये दिन को कर लिया करो। सारा दिन नवेरा अमल के साथ बिजी होती है इसलिए। तुम अपने बाप का बिजनेस तो चला ही रहे हो यहाँ रहकर, इस तरह के फजूल काम करने की क्या जरूरत है कि अपने पेजेस और ये कहानियां वहानियां, व्हाट्स दिस? कम ऑन अम्मी, वो उनका बिजनेस है, इसका थोड़ी है। और नवेरा को कहानियां सुनाने का बहुत शौक है, ये अगर हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो हम इसका एक छोटा सा शौक पूरा कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली शी इज रियली गुड एट इट। दावर वैसे मैं तुम पर हैरान हूँ, इतना फालतू टाइम और एनर्जी तुम्हारे पास है जो तुम यहाँ वेस्ट कर रहे हो। अगर इतना ही वक्त है तो अस्पताल को टाइम दो, अमल को टाइम दो। तुम तो बस सजीव ही, और जल्दी से सो जाओ जाके, सुबह मीटिंग है। आप चाहें यहाँ से, पता नहीं पप्पू क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग अकेले में। तुम परेशान ना हो, हमारा निकाह इसीलिए हुआ था कि हम एक छत के नीचे रह सकें और कोई एतराज ना करे। तुम कहानी सुनाओ। नहीं, मैं नहीं स्टार्ट कर सकती।
इतनी खुश थी वो, इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती। उसकी तो चांदी हो गई, और दावर उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। Can you believe it? क्यों फर्क पड़ेगा, उसको तो एक बच्चा भी मिल गया और बीवी भी। हाँ, और सफर कर रही है तुम्हें। मेरी क्या गलती थी? कुछ नहीं, असल में गलती दावर की है, वो आपको खुश नहीं रख सका। पता है, उसे शॉपिंग करवा रहा था, जिन शॉप्स के बाहर था ना, वहां पे 50,000 से कम का कोई जोड़ा नहीं मिलता। अगर मुझे इतना खुश रखा होता तो क्यों छोड़ती मैं? मुझे तो रिंग भी नहीं दी उसने। यार मुझे लगता है उसकी आपके साथ कोई दुश्मनी थी। नहीं, ऐसा नहीं, असल में मैं बहुत सीधी हूं, इसलिए हर कोई मुझे अपनी उंगली पे नचाता और मैं नाचती हूं। अब सलमान को ही देख लो, बजाय इसके कि मेरी दिल जोई करता, उल्टा कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं ला सकती हूं। ये कहा उसने? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। एक तो सारा जेवर भी ले लिया मुझसे। तुम तो जानते हो कि मेरा जेवर कितना महंगा था, करोड़ों का होगा, गया मेरे हाथ से। अरे आप तो वाकई बहुत सीधी हैं। आजकल की लड़कियां अपने शौहर को साइड पे रखती हैं और अपने काम पहले करती हैं। चुपचाप दावर की पीठ पीछे वार करती रहती और अपने काम निकलवाती रहती। सही कह रहे हो तुम, मेरी अम्मी सीधी है ना, इसलिए मैं भी सीधी उन्हीं पे गई हूं। अब तो इतना बुरा फंसी हूं कि क्या बताऊं। ऊपर से वो दोनों नजर आ गए दिल जलाने को। स्ट्रॉन्ग बने स्ट्रॉन्ग, आपकी जेब में जब पैसा होगा ना, किसी की मजाल नहीं कि आपसे टेढ़ी बात करे। मेरे पास इतना पैसा है तब भी सलमान मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करता है। क्या वाकई? फिर तो आप फुल टॉस मारे और छक्का लगाएं। सुना जावेद मियां दाद के बारे में आपने? लास्ट बॉल लास्ट विकेट, ऐसा छक्का लगाया कि बॉल स्टेडियम से बाहर, आज भी दुनिया याद करती है। सो रही अमल? जी पापा। ये रात को तुम्हारे और दावर के दरमियान क्या चल रहा था? पापा मुझसे क्या पूछ रही हैं? दावर ने आपको बताया था ना? आई थिंक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट नाउ। मुझे ये सब कुछ इतना मुनासिब नहीं लग रहा। वो आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूं जो मुझे नजर आ रहा है। तुम दावर को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हो। तो आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूं। दावर के करीब आने के बहाने जो तुम बना रही हो सब नजर आ रहा है मुझे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं। करना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी वॉर्न किया था, मैं इस घर में तुम्हें एक मेड से ज्यादा कुछ नहीं समझती। और अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं कोई प्लान है मेरी बहू बनने का, सो दैट्स योर स्टुपिडिटी, समझी? कब से सो रही है? इसका डायपर चेक करो। जी, अभी देखती हूँ।
क्या देख रहे हैं? बड़ा यादगार मैच है यार, क्रिकेट की तारीख बदल दी इसने। अभी आई लास्ट बॉल, देखना क्या करता है जावेद मेरा। फिर तो आप फुल टॉस मारे और छक्का लगाएं। सुना जावेद मियांदाद के बारे में आपने? लास्ट बॉल लास्ट विकेट, ऐसा छक्का लगाया कि बॉल स्टेडियम से बाहर, आज भी दुनिया याद करती है। और ये सिक्सर क्या घुमा के मारा था इसने, शेर का बच्चा, शेर का। नो डाउट आज तक कोई कमेंटेटर जावेद मियांदाद का नाम लिए बगैर अपनी कमेंट्री मुकम्मल नहीं करता। बिल्कुल, he deserves that. क्या तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं अमल के साथ रहूंगी घर पे। हम सबका इनवाइट है, हम सब साथ जाएंगे, तैयार हो जाओ। मैं वाकई में नहीं जा सकती, अमल डिस्टर्ब होगी। साहब गाड़ी में सामान रखवा दिया है। कौन सा सामान? मिठाई के टोकरे और गिफ्ट्स हैं। चलो चलो दावत निकले, बस देर हो रही है। एक मिनट, आप उनके यहाँ मिठाई क्यों लेके जा रही हैं? भाई पहली दफा जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा तो नहीं लगता ना। मैं बच्चा नहीं हूं कि आप किसी से भी मेरी शादी करवा दें। दावर हम शादी करने नहीं जा रहे, आज हम उनके घर मिलने जा रहे। बहुत अच्छी लड़की है, तुम मिलो तो सही। बेचारे की डिवोर्स भी हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी क्यों करूं। आप गलत कर रही हैं। आप उनसे माजरत कर ले, मैं नहीं जाऊंगा। मना किया था ना तुम्हें, बताया था ना तुम्हें ये बात इससे मत करना। दोनों बहनें आखिर चाहती क्या हो? मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं बताया ना इसको। इसे क्यों मार रही है? मैंने इससे मना भी किया था तुम्हें ना बताया, लेकिन ये लड़की इसने मासूम शक्ल है, उतनी खुराट है। अम्मी इसने मुझे नहीं बताया। मुझे उसी दिन शक हो गया था जब आपने इस दावत का जिक्र किया था। आई एम शॉक, मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? माँ हूं तुम्हारी। आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस रिस्पेक्ट का नाजायज फायदा मत उठाएं आप। तुम मुझे बातें सुना रहे हैं इसकी वजह से? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आप नवहरा के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखिए आप मुझे चाहे 10 थप्पड़ मार लें, आपको पूरा हक हासिल है क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन आपने कभी इसे वो प्यार ही नहीं दिया कि आप इसमें हाथ उठाएं। रही बात मेरी शादी की, तो वो नवेरा से हो चुकी है। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे।